नमस्कार, मैं निरुपमा अग्रवाल राघव कलर स्पीच की साई रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे फलाहारी लौकी की सब्जी। आइए देखते हैं किस तरह से बनाई जाती है। मैंने ये छोटी लौकी ली है, उसे मैंने काट के पानी में रख लिया है। पानी में इसलिए रखा है कि लौकी ज़्यादा देर कटी हुई होती है तो काली पड़ जाती है। और ये मैंने एक छोटा आलू लिया है, अगर बिना आलू के भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एक टमाटर लिया है मैंने, काट लिया है बारीक बारीक। और ये काली मिर्च है, सेंधा नमक है। हरी मिर्च अगर आप व्रत में यूज़ करते हैं तो डालिए, अन्यथा स्किप कर दीजिए। और ये मैंने हरा धनिया लिया है। ये ऑयल लिया है मैंने जिसमें हम सब्जी को बनाएंगे, आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने गैस ऑन करी है और कुकर में बनाएंगे हम। थोड़ा गर्म होने देते हैं, फिर इसमें ऑयल डालेंगे हम। इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक सब्जी होती है, इसे व्रत के अलावा भी बना के खा सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें सबसे पहले हम डालते हैं हरी मिर्च। अब टमाटर डालेंगे, गैस को मीडियम ही रहने देते हैं। अब इसमें नमक डालते हैं जिससे टमाटर जल्दी पक जाएंगे। अब डालूंगी इसमें 1 चम्मच काली मिर्च। व्रत की सब्जी में काली मिर्च का अलग ही स्वाद होता है। अब इसमें लौकी को डालेंगे, साथ ही आलू भी डाल देंगे। बड़ी ही स्वादिष्ट सब्जी बनेगी ये। थोड़ा सा धनिया डालते हैं, थोड़ी देर चलाएंगे इसे। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी, करीब 1 बाउल। आपको जितनी पतली सब्जी बनानी है उसके हिसाब से पानी डालें। ये सब्जी लौकी की ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती, इसलिए ये सब्जी थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए। अब कुकर को बंद करते हैं, अब 3 सीटी आने तक पकाते हैं। तीन सीटी लग चुकी हैं, अब कुकर को खोल कर देखते हैं। वाओ, बहुत ही शानदार बनी है। अब इसे थोड़ा सा चम्मच की सहायता से चलाएंगे। आप चाहें तो नींबू का रस 1 चम्मच डाल दें, इससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। अब ये हमारी फलाहारी लौकी की सब्जी बनके तैयार है। ये बहुत ही हल्की होती है पचने में। अगर आपको हमारी ये डिश पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लीजिए, हमारी ये फलाहारी हल्की फुल्की सी लौकी की सब्जी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।